कोरोना वायरस के कहर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो मैसेज के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। इस बार पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए लोगों से एकजुटता दिखाने की सलाह दी, साथ ही 5 अप्रैल को रात 9 बजे प्रकाश फैलाने के लिए कहा है। पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज को लेकर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हेमा मालिनी ने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आग्रह पर रिएक्शन देते हुए लिखा, हमें घातक कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के लिए अपने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेनी चाहिए। यह समय है एक साथ आने का, हमारी एकजुटता दिखाने का और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में सरकार की मदद करने का। हम 5 अप्रैल को उनके अनुरोध का पूरा करेंगे, क्या आप सभी भी इसके लिए तैयार हैं? वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड प्रोड्यूसर तरुण गर्ग ने इस पर तंज कसा है। प्रोड्यूसर तरुण गर्ग का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी के आह्वान पर तंज कसते हुए लिखा है कि इस तरह महामारी को खत्म कर दिया जाएगा। तरुण गर्ग ने ट्वीट करते हुए कहा है, महामारी को खत्म करने का सबसे बड़ा समाधान। वहीं दूसरी ओर तापसी पन्नू का भी इस पर रिएक्शन आया है। तापसी पन्नू ने ट्वीट करते हुए लिखा, न्यू टास्क इज हियर, ये। वहीं दूसरी ओर वीरदास का भी रिएक्शन इसमें आया है। उन्होंने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, संडे इज एन इंडोर शोज ऑफ सॉलिडरिटी, इट इज नॉट दिवाली। उन्होंने लिखा है कि संडे का ये एक घर का शो है, ना कि कोई एकजुटता का और ना ही ये दिवाली है। वही दूसरी ओर श्रुति सेठ ने भी इस पर निशान साधा है। उन्होंने लिखा है, कैन वी प्लीज हैव सम रियल सॉल्यूशन ऑफ फॉर वंस, पीपल्स आर होमलेस, जॉबलेस एंड हंग्री एंड कैंडल्स आर नॉट गोइंग टू कट इट। उन्होंने लिखा है कि प्लीज इसका कोई अच्छा समाधान बताइए, क्योंकि अभी लोग होमलेस है, जॉबलेस है, भूखे भी हैं, क्योंकि ताकि इसका आप अच्छा समाधान बताइए। वहीं दूसरी ओर रंगोली चंदेलकर ने पीएम मोदी का साथ कर देते हुए लिखा है, लाइटिंग दियास इज अ वेरी गुड गेस्चर, दिया क्रिएट्स एन इथरियल ऑरा विच इज वेरी कामिंग एंड इफेक्टिव टू शो इच अदर अवर सपोर्टिव, लेट्स डू दिस। आई लव हाउ नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो फोकसेस ऑन अवर इमोशनल नीड्स एंड ट्राइज टू हील अस इन एवरी वे। जय श्री राम। वहीं अनुभव सिन्हा ने भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है, मिस्टर मोदी नोज द पीपल ऑफ दिस कंट्री लाइक नो वन एल्स डज। तो वहीं दूसरी ओर प्रसून जोशी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के अंधेरे से लड़ने के लिए हमसे 5 अप्रैल को 9:09 के लिए साथ आने का आग्रह किया है। हमें ये करना है और जुड़कर प्रकाश बनना है। अपनी ये कविता इसी भावना को समर्पित करता हूँ। साथ ही उन्होंने एक कविता भी लिखी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।